गोपी चंद एक ऐसे राजा हुए जिनकी 16 रानी 12 कन्या और बहुत बड़ा राजपाट था, लेकिन मां के कहने पर सब चीज त्याग दी। मां ने कह दिया कि बेटे मेरी मन की इच्छा यह है कि तेरा शरीर अमर हो जाए, तू कभी ना मरे, अपने मामा भर्तरी की तरह तू सदा के लिए अमर हो जाए। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि बोलिए माता क्या करना है। कि बेटे जोग धारण कर ले। जोग धारण कर लिया और गुरु ने भी आदेश कर दिया कि सबसे बड़ी रानी पाटम देखो मां कह करके उसके हाथ से भिक्षा लेकर के आओगे तो तुम्हारा जोग सफल होगा। गोपी चंद ने वो रसम भी निभाई। गोपी चंद की एक माजाई बहन थी चंद्रावल, जो भीकम बंगाले यानी कि गॉड बंगाले भी कह देते हैं, वहां पर ब्याही थी। एक रोज गोपी चंद भिक्षा मांगते मांगते अपनी बहन चंद्रावल के राज में पहुंच जाते हैं और मन में ख्याल आया कि आज कई वर्ष बीत गए हैं, बहन चंद्रावल की राजी खुशी भी लेता हुआ जाऊंगा और बहन चंद्रावल के हाथ से आज भिक्षा भी लेकर के जाऊंगा। जाकर के अलग जगाई बांधी, भिक्षा लेकर के आती है, लेकिन गोपी चंद संत बने हुए थे, हाथ जोड़ करके कहने लगे कि मेरी माँ जाई बहन है चंद्रावल, उसको भेज दे, मैं उसी के हाथ से भिक्षा लेकर के जाना चाहता हूं। वो बांधी कहने लगी रे तेरे जैसा बाबा जी उसका भाई नहीं है, उसका भाई है राजा गोपी चंद, जिस समय आता है हीरे मोती कड़ी मणि मोहर सर्पी दान करता हुआ चलाता है और तू बाबा जी होकर अपने आप को चंद्रावल का भाई बता रहा है। लेकिन संत बने हुए गोपी चंद ने विश्वास दिलाया कि मैं वही गोपी चंद हूं जो कभी राजा बनकर के आया करता था। बांदी ने जाकर के चंद्रावल को बताया कि तेरा भाई दरवाजे पर तुझसे मिलने के लिए खड़ा है और तेरे हाथ से भिक्षा लेकर के जाना चाहता है, आज बाबा जी के भेष में आया है। चंद्रावल को भी यकीन नहीं हुआ, भिक्षा लेकर तो आई लेकिन जब माँ जाए भाई गोपी चंद को बाबा जी के भेष में खड़े हुए देखा, आंखों से आंसू बहने के लिए दौड़ करके अपने माँ जाए भाई गोपी चंद की कौड़ी भर ली, रो पड़ी और एक बात के द्वारा पूछने लगती है कि भैया आखिर ऐसी क्या परेशानी होगी, ऐसी क्या वजह हो गई जो तूने सब कुछ छोड़ करके भगवान बाणा धार लिया। सुनेंगे इस रागनी को आज के देहाती जगत की हिंदुस्तान की बहुत अच्छी मशहूर गायिका, जिन्हें आप ऑडियो वीडियो सीडी कैसेट के माध्यम से नेट और इंटरनेट के माध्यम से भी होली रागनी और भजनों के माध्यम से भी सुनते हुए देखते रहते हैं। जी हाँ, सुषमा नेगपुर की आवाज में एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। आइए मेरे
चंद्रावल की भाई, ये तू भी जानता है कि बचपन में तो पिताजी भी छोड़कर चले गए थे। ये यारी अशनाई रिश्तेदारी सब बने बनी की होती है भाई। कहने लग जाती कि भाई चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। अरे चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। झूठे अफसानों से दिल नहीं बढ़ता सजनों, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। दूसरी बात में क्या बताया, छोड़ तूने 16 रानी और 12 कन्या, उनका भी जरा ख्याल नहीं करा। और एक तेरी माँ दुखियारी, वो किसके सहारे अपना टाइम पास करेंगी। ये राजपाट धन दौलत तेरे बिना किसी काम की नहीं है। और तीसरी बात में क्या बता दिया, किसी पे छोड़ी धन और माया, ओ तने किस पे ये राजधानी, ओ तने किस पे ये राजधानी, किस पे छोड़ी माँ दुखियारी, ओ तने किस पे सोलारा, ओ
चंद पे हो चढ़ा रंग भगवे बाणे का।